वाला चैनल स्टूडेंट्स और मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का फाउंडेशन बैच का ये लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम डील करने वाले हैं पब्लिक ऑफेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि पब्लिक पीस को, पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक स्टेबिलिटी को हिला देते हैं, उनको हम पब्लिक ऑफेंसेस कहते हैं। तो ये ऑफेंसेस आज हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 21 में। अगर आपने मेरी आईपीसी की सीरीज देखी है तो आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है, एक क्राइम के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं। देन हम बात कर चुके हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द जनरल वर्ड्स एंड स्पेशल वर्ड्स जो कि इस कोड में यूज करते जा चुके हैं और वो पूरे के पूरे कोड में यूज करते जाएंगे हम, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, हम चैप्टर पनिशमेंट्स का पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो डेल्ट विद जनरल एक्सेप्शंस कि किस केस में अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो आपको पनिशेबल नहीं ठहराया जाएगा, जैसे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, ओके, इंसैनिटी, जैसे कि आपका मिस्टेक ऑफ एक्ट, जस्टिफाइबल एक्ट, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या फिर आप लोग कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं, अगर आपको और ज्यादा इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे लेक्चर्स को जरूर रेफर करिएगा, ठीक है। हम ऑल्सो डील कर चुके हैं अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट बहुत ज्यादा काम का एक ऑफेंस है क्योंकि वो हम लोगों को हर जगह पे रिलेट हो जाता है जहाँ पे हम इंटरलिंकेजेस और इंट्रालिंकेजेस की बात करते हैं। हम अबेटमेंट पढ़ चुके हैं, हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ चुके हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है कि जब आप ऑफेंस नहीं कर रहे हो, कोई और ऑफेंस कर रहा है और उसके लिए भी आप लाइबल ठहराओगे, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इनकोएट ऑफेंसेस क्या होते हैं, आर्मी और नेवी वाले ऑफेंसेस कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने इंडियन पीनल कोड में, हमें ये देखना है कि अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है पब्लिक के अगेंस्ट, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी के अगेंस्ट, पब्लिक पीस के अगेंस्ट, तो हमें कैसे उसको डील करना है। तो इस सेशन में, इस लेक्चर में हम उसी को करेंगे। ये रेलेवेंट है अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, स्टेट का पीटी का पेपर देने वाले हैं, अपना मेंस का पेपर लिखने वाले हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, या फिर अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट भी हैं जिनको करंट लीगल नॉलेज पे चेक किया जाता है, जिनको पैसेजेस दिए जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, तो ये आपके लिए भी रेलेवेंट है। अगर आप LLB स्टूडेंट हैं और आपको अपना सेमेस्टर एग्जाम देना है, तब भी ये आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। तो जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे कि पब्लिक ऑफेंसेस क्या है और उनका हम क्या क्या डील करने वाले हैं, हमें क्या जरूरत है सब कुछ को पढ़ने की। देन वी विल डील विद सेक्शन 141 जो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, कि कोई भी एक असेंबली जो कि किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठा हुई है, हम उसको समझेंगे कि वो क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट को समझेंगे वर्सेस कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन अगर आपको याद हो, हम सेक्शन 34 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां हमने जॉइंट लाइबिलिटी, ग्रुप लाइबिलिटी का एक लेक्चर लिया था, या फिर आप लोग कॉलेजेस में भी पढ़ के आए हैं, तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है मीटिंग ऑफ माइंड्स के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 142, 143 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। हम 149 पढ़ेंगे कि हर एक मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली को हम गिल्टी ठहराएंगे अगर कोई भी एक्ट होता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट उनका बनाया गया था, उसके प्रोसिक्यूशन में, इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट अगर कोई भी एक्ट होता है, तो हर एक मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली को हम गिल्टी ठहराएंगे, उनकी लाइबिलिटी होल्ड करेंगे। सेक्शन 144 पढ़ेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन करता है या फिर कंटिन्यू करता है विद डेडली वेपन को लेके ज्वाइन करता है, तो फिर उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, वो सेक्शन 144 बताता है। 145 में हम बात करेंगे कि कोई ऐसा पर्सन जो ज्वाइन करता है या फिर कंटिन्यू करता है, दो वर्ड्स दिए गए हैं, ज्वाइन करता है या फिर कंटिन्यू करता है ऐसी अनलॉफुल असेंबली जिसको बोला गया है कि आप डिस्पर्स हो जाओ, मतलब आप बिखर जाओ, आप चले जाओ यहाँ से, तो उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 में। फिर हम डील करेंगे 146, राइटिंग क्या होता है। अगर हमने ये चीज सुनी है कि रायट्स हो गए, तो वो रायट्स हो गए का क्या मतलब है, उसको हम लोग समझेंगे इस 146 के अंदर। उसकी पनिशमेंट हम पढ़ेंगे 147 के अंदर। 148 बताता है जहाँ पे आप राइटिंग कर रहे हो और आपके पास डेडली वेपन है, तो वो हम 148 में पढ़ेंगे। रायट और अनलॉफुल असेंबली के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम डील करेंगे सेक्शन 159, एफ्रे
जो बताता है कि एफरे क्या होता है. ओके, देन वी विल डील विद एफरे और राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एफरे और असॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 160 बताता है, उसको भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वी विल डील विद प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस. अगर आप हेट्रेड फीलिंग को, अगर आप एनिमिटी को, दुश्मनी एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हो दो क्लास के लोगों को किस किस ग्राउंड पे, तो हम पढ़ेंगे उनके सेक्शंस क्या होंगे. आप इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आपको कराऊंगी सेक्शन 153 ए के और 153 बी क्या होता है. तो ये सारे टॉपिक हैं, ये 19 टॉपिक हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. तो ये लेक्चर बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है आपको ये सब कुछ समझना. क्योंकि जब आगे जाके आपके पास हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का मतलब है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है और बोला गया है कि आप इस पे अपना लॉ लगाओ, तो आपको लॉ की फेयर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक ऑफेंसेस की, उनके ओवरव्यू की, तो हम क्या देखते हैं कि एक सोसाइटी में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है. अगर हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी की, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट हो. कैसे होगी, जब लोग अपने काम पे, अपने दिनचर्या पे कैसे फोकस कर पाएंगे, जब उनके मन में कोई डर नहीं है. अगर आप अपने काम पे जाते हो तो आपको कोई डर नहीं है कि रायट्स हो जाएंगे या फिर कोई वेपन गिर जाएगा, कोई अटैक हो जाएगा. तो बेसिकली हमारी जो स्टेट है उसने क्या किया हुआ है, उसने एक जो सोसाइटी है, एक जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर पीस को मेंटेन किया हुआ है, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है. तो जब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि क्राइम क्या होता है, इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, तो हमें क्या मेंटेन करना है, हमें पीस मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, पब्लिक की ट्रैंक्वालिटी को मेंटेन करना है, अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक की डेवलपमेंट हो. अगर इस चीज में कोई भी हिंड्रेंस कॉज करता है, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट कॉज करता है, या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिसमें जो ऑर्डर है सोसाइटी का वो डिसरप्ट होता है, वो उथल पुथल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इंडिविजुअल को हम गिल्टी ठहराएंगे. क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो एक इंडिविजुअल है जिसके पास पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, वो उसको भी हिंडर कर रहा है. तो बेसिकली वही बात कि जब आप अपने ऑफिस जाते हो, जब आप अपने काम धंधे पे जाते हो, तो आपके दिमाग में एक सुख शांति है कि हाँ जी मैं अपनी स्टेट में सेफ हूँ. ओके, बट अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है कि ऐसे पब्लिक ऑफेंसेस हो रहे हैं जो पब्लिक के पीस और ट्रैंक्वालिटी को उथल पुथल कर रहे हैं. अगर वो उसको हिला रहे हैं, अगर वो उसको शेक कर रहे हैं, तो उनको वो किससे शेक हो रहे हैं, वो पब्लिक ऑफेंसेस से शेक हो रहे हैं. और ऐसे लोगों को हमें पनिश करना बहुत जरूरी है. जब हम बात कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी एज अ होल को, हमें उसकी डेवलपमेंट चाहिए, उसके इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट चाहिए, उसकी यूथ की डेवलपमेंट चाहिए. ओके, तो आपको क्या समझना है कि जब कोई ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी, तो वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि वो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज है. जब आपको याद होगा अपने इनिशियल सेशंस में मैंने आपको कहा था राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्लैट वाले बच्चों, इसको ध्यान रखो, बहुत बार आपके क्लैट के पेपर में भी पूछे गए हैं. ठीक है, तो राइट इन पर्सोनम होता है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, दो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स, और राइट इन रेम के बारे में होता है एट लार्ज. तो बेसिकली जब कोई इसमें, जैसे हो गया आपका क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल आईपीसी, यहाँ पे हो गए आपके सिविल डिस्प्यूट्स. ठीक है, तो जब हम एट लार्ज की बात करते हैं, राइट ऑफ पीपल एट लार्ज, तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑफेंस पब्लिक ट्रैंक्वालिटी के अगेंस्ट है, पब्लिक पीस को हिलाता है, पब्लिक मोरालिटी को शेक करता है, उसकी जो ऑर्डर है उसको उथल पुथल करता है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, वो क्या है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है. और इस टाइप के ऑफेंसेस को जो ग्रुप ऑफ लोग करते हैं, जिनकी कॉमन इंटेंशन होती है कि वो पब्लिक पीस को इफेक्ट करे, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी को, जो ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी में उसको इफेक्ट करे, हमारा ये एम है आईपीसी के माध्यम से कि हम उनको पनिश करें. और यही इंटेंशन थी लेजिस्लेचर्स की भी, जिन्होंने ये लॉ को ड्राफ्ट करा था, जब उन्होंने किया था. तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट इन रेम है, जब लोगों का, जब एक क्राइम है जो एक रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है, वो क्या कर रहा है,
अगर सोचो राइड्स हो गए, अगर आप लोगों को पिक्चर याद है नायक, नायक जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है, उसमें क्या होता है, उस पिक्चर में वो लोग राइड्स क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज वो इसकी सरकार को गिराना चाहते हैं। क्यों राइट्स क्रिएट करते हैं? हर एक मूवी भी हमारी बॉलीवुड की जो पिक्चर्स हैं वो कई कई तो बहुत ड्रामेटिक होती हैं, बट कई कई बहुत अच्छी चीजें सिखा के जाती हैं। अब आप इस नायक मूवी को देखोगे, ये जो अनिल कपूर होता है ये एक दिन का सीएम बनना चाहता है, ये एक दिन का सीएम बन के एक्चुअली में करना क्या चाहता है, ये पब्लिक को हेल्प करना चाहता है, क्योंकि जो उस टाइम का सीएम होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो अपनी बस कुर्सी की पावर को यूज कर रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, जब अनिल कपूर सीएम बनता है, या फिर आई थिंक अनिल कपूर के सीएम बनने से पहले एक्चुअली में जो राइट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनको होता है कि ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सके, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सके, तो ये दंगे करा देते हैं, उसमें बसेस को जला देते हैं, उसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंजरीज होती हैं, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसका डैमेज होता है। तो ये सब ऑफेंसेस जो हैं, जैसे रायट हो गया, दंगे हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी को, पब्लिक पीस को शेक कर रहे हैं और लोगों के मन में एक भय को बढ़ा रहे हैं, एक डर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हमें पनिशेबल करना है। ओके, तो आपको क्या देखना है कि पीस और मोरालिटी एक बेसिस है, एक फाउंडेशन है कि एक सोसाइटी स्टेबल रह पाए, और इनकी प्रोटेक्शन करना हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे सर्वप्रिय है। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपको सोसाइटी को स्ट्रांग रखना है, अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी डेवलप करे, उसके इंडिविजुअल्स का प्रोग्रेस हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोग डरे नहीं। और इस चीज का ध्यान रखना किसकी जरूरी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट क्या ध्यान रखेगा कि पब्लिक पीस हो। तो उस टाइम पे यही हुआ था कि एक्चुअली में नायक मूवी में सीएम क्यों बदला था, क्योंकि इन सीएम साहब के होते होते पब्लिक इतना ज्यादा दंगा कर रही है, इतना ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, तो इसीलिए अनिल कपूर सीएम बने थे एक दिन के लिए, और उन्होंने बोला था कि तुम चला के दिखाओ मुझे कि महाराष्ट्र कैसे चलेगा। तो ये पिक्चर थी। तो अगर आप इस पिक्चर से कुछ सीखें तो आपको समझ आता है कि पब्लिक ऑफेंसेस कैसे होते हैं, स्टेट की क्या ड्यूटी होती है, और अगर स्टेट अपनी ड्यूटी ना करे तो कितना ज्यादा डिवास्टेशन हो सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और व्हाई एम आई रेफरिंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी इज सो दैट आपकी पिक्चर मेमोरी बन जाए, आप उस कहानी फॉर्म में उसको रिलेट कर पाओ कि हाँ उस पिक्चर के अंदर दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे, तो राइट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे पनिशेबल ठहराएंगे और वो कैसे हमारी सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चैप्टर 10 जो सीआरपीसी का है वो एक लीगल गाइडलाइन देता है कि कैसे आप पब्लिक पीस को मेंटेन कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो, और वो बताता है कि ड्यूटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और पावर क्या है हमारे एग्जीक्यूटिव की और पुलिस की इस मैटर में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऐसे मैटर्स में अब ऑफेंसेस जो आज के डेट में हम डील करने वाले हैं वो है एफ्रे, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग और एनिमिटी अगेंस्ट डिफरेंट क्लासेस। तो इन ऑफेंसेस को आज हम डील करेंगे। ओके, और आपको इसको रेड विद क्या करना है, रेड विद आपको करना है सीआरपीसी का चैप्टर 10, जो कि लीगल गाइडलाइंस को बता रहा है कि आप कैसे पब्लिक पीस को, पब्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करोगे और कैसे कैसे एग्जीक्यूटिव और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज इवेंचुअली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हैव अ सेफ एनवायरमेंट फॉर ऑल द citizens of the country, for all the people of the country. तो आपको ये चीज देखनी है। और जो आज हम public वाले offences पढ़ने वाले हैं वो है affray, unlawful assembly, writing और enmity amongst the different classes of people. ठीक है, तो अब पहले ऑफेंस पढ़ते हैं जो unlawful assembly है। नाम से समझो क्या कह रहा है अनलॉफुल असेंबली। असेंबली क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं उसको हम असेंबली कहते हैं, और ये है अनलॉफुल, मतलब ये लॉफुल नहीं है, जो चीज लॉफुल नहीं है। ओके, ये असेंबली। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5 or more people, 5 या 5 से ज्यादा लोग जिनकी एक कॉमन इंटेंशन है क्या करने की, पब्लिक पीस और ट्रैंक्वालिटी को डिस्टर्ब करने की, और वो क्या करते हैं, कोई भी अनलॉफुल ऑफेंस करते हैं तो हम बोलते हैं वो अनलॉफुल असेंबली बना रहे हैं। तो आप अगर आप अपने टिप्स पे पॉइंट रखोगे तो क्या है, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली में, एसेंशियल एलिमेंट्स देखो स्टूडेंट्स, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए उनकी, और क्या करने की होनी चाहिए उनको, पब्लिक पीस को, पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी को उनको डिस्टर्ब करना है, उसको उथल पुथल करना है, और उनको एक अनलॉफुल ऑफेंस करना है, तो हम क्या कहेंगे, ये होगा एक अनलॉफुल असेंबली, जो कि सेक्शन 141 बताता है।
ठीक है, अब आप देख के चलो कि इस अनलॉफुल असेंबली का एम क्या है, मोटिव क्या है, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो क्रिमिनल फोर्स को यूज करना चाहते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स अगर हो रही है उसमें रुकावट पैदा करना चाहते हैं, वो कुछ भी मिसचीफ या फिर ट्रेसपास करना चाहते हैं किस पे, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर पर्सन के ऊपर, ठीक है, या फिर वो क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हैं एक ऐसे इंसान के ऊपर जो अपना राइट एंजॉय कर रहा है। अब जैसे क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, उस ह्यूमन बीइंग को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, तो हर एक इंसान को ये राइट है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाए। बट अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो उसके अगेंस्ट कि वो अपने राइट्स को ना यूज कर पाए, तो हम क्या कहेंगे कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो कि वो बंदा डिप्राइव हो जाए कि वो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए, ठीक है, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी को कंपेल कर रहे हो, किसी को फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो कि वो कोई ऐसा काम करे जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने को, तो हम बोलते हैं कि आप अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो, ठीक है। अब आपको क्या समझना जरूरी है कि अनलॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, फाइव और मोर पर्संस तो हो गए, बट इन फाइव और मोर पर्संस का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर उसको एक अनलॉफुल असेंबली बनना है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट किस तरीके से हो सकता है, या तो प्रायर मीटिंग हो, मतलब पहले से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, प्लानिंग की हुई है, या फिर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो, मतलब कोई एक्ट करते करते एकदम से उनका प्लान बन गया, इमीडिएटली उनका प्लान बन गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। जो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है ये कैसे बन सकता है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी बन सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये फाइव और मोर पीपल कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ये एक्ट क्या होना चाहिए, इनके फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर इन्होंने सोचा कि हम लोगों को एक बैंक लूटना है, अगर हम लोगों को एक बैंक लूटना है, तो ये अनलॉफुल असेंबली बनी जिसने फाइव और मोर पर्संस को इकट्ठा किया, मतलब उसके अंदर पांच और पांच से ज्यादा लोग थे जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था बैंक लूटना। अब उन पांच लोगों ने प्लानिंग करी कि हम बैंक लूटने जाएंगे और उन्होंने बैंक लूटा, तो वो एक अनलॉफुल असेंबली हो गई। बट अब आप सोचो कि जब ये पांच लोग जा रहे थे वहां पे एक छठे बंदे ने बोला, ओ तुम बैंक लूटने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बोल दिया, तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट उसका क्या बन गया, उसका कॉमन ऑब्जेक्ट इनके साथ बन गया, ठीक है, ओके। तो अब समझते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट और हमारे कॉमन इंटेंशन के अंदर क्या फर्क है। तो कॉमन इंटेंशन आपको याद होगा सेक्शन 34 हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप लाइबिलिटी ज्वाइंट लाइबिलिटी जब हमने पढ़ा था, तो जो हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थोड़ा जनरल होता है, थोड़ा कैजुअल होता है, बट कॉमन इंटेंशन के वहां पे बहुत ही स्पेसिफिक होता है जब हम बात करते हैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट के यहाँ पे जो आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो अपने आप में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो मतलब अगर ये पांच लोग बैंक लूटने गए हैं तो अगर उनमें से दो लोग घर पे बैठे हुए हैं बट उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, जहां की हम कॉमन इंटेंशन की बात करें वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स। जब हम बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की तो वो थोड़ा लूज टाइप का एक अग्रीमेंट है, बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, थोड़ा लूजली बना हुआ एक अग्रीमेंट होता है, और कॉमन इंटेंशन बहुत ही स्पेसिफिक अग्रीमेंट होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर पांच लोगों का होना मिनिमम जरूरी है, पांच से ज्यादा भी हो सकते, बट कॉमन इंटेंशन की बात करें तो वहां पे मिनिमम सिर्फ दो लोगों का होना जरूरी है, दो से ज्यादा लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लोग हो सकते हैं बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ दो। कलेक्टिव एक्शन होना बहुत जरूरी नहीं है अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बट कलेक्टिव एक्शन होना बहुत जरूरी है जब हम कॉमन इंटेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझ लो और इसको अच्छे से पढ़ के जाना पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के, तो सेक्शन 142 क्या कहता है कि पहली बात वो ये कहता है कि अगर आपको नॉलेज है कॉमन ऑब्जेक्ट की, जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट है हमारा बैंक लूटने का, ओके, और आपने ऑफेंस किया, तो आप डायरेक्टली लायबल होगे बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। बट दूसरी चीज ये है कि आप इंटेंशनली आप मेंसरिया के साथ
ज्वाइन करते हो या फिर कंटिन्यू करते हो कोई एक ऐसी असेंबली को जो कि एक अनलॉफुल असेंबली है, और उसमें आप सम मेंबर्स डिड नॉट डू एनी ऑफेंस, कोई कुछ ऑफेंसेस नहीं किए उन्होंने, स्टिल उनकी हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहेंगे, वाइकेरियसली लाइबल कहेंगे उनको, चाहे वो ऑफेंस करें या ना करें, जस्ट द फैक्ट दैट वो इस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे वो पर से इनको लाइबल ठहराएगा। तो आप क्या समझने की जरूरत है कि आपको नॉलेज होना जरूरी है जब आप कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, कॉमन ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अपने आप में। अपने आप में अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली में आप क्या करने जा रहे हो, तो आपको इम्प्यूट नहीं करी जाएगी आपकी लाइबिलिटी। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, इन लोगों ने एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया कि ये एक अटैक करेंगे पार्लियामेंट पे। ओके, अब क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी की तो कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो है हमारे एच, इनको कोई नॉलेज नहीं है इसकी और इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया, तो इनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। बट आप एक चीज समझ के चलो कि अगर ए बी ने कोई एक्ट नहीं भी किया, वो घर पे बैठ के बस सो रहे थे या फिर टीवी पे न्यूज देख रहे थे कि अच्छा अब क्या न्यूज टेलीकास्ट हो रही है, और सी डी ई एफ जी ने एक्चुअली में अटैक किया पार्लियामेंट के ऊपर, तब भी हम बोलेंगे कि ए और बी भी लाइबल होंगे, और उनकी जो लाइबिलिटी होगी उसको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कहेंगे। हम बोलेंगे वो कंस्ट्रक्टिवली लाइबल है क्योंकि वो मेंबर थे इस अनलॉफुल असेंबली के। तो क्या समझने की जरूरत है कि दो दो सिचुएशन है, या तो आपको नॉलेज है या तो आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी होगी, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी। बट एक और चीज जो समझने की जरूरत है, आप एक्ट करो या फिर ना करो, बट अगर आप मेंबर हो इस अनलॉफुल असेंबली के तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। ठीक है, तो पर से मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली अपने आप में ये सफिशिएंट है कि आपके ऊपर पनिशमेंट लगे। ठीक है ना, अब क्या पनिशमेंट लगेगी, पनिशमेंट लगेगी, पनिशमेंट लगेगी, मैम कब से बोल रही है तो क्या पनिशमेंट लगेगी वो भी आपको बताना जरूरी है। तो कोई भी जो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, उसको पनिशमेंट होगी 6 महीने की इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ। ओके, तो 6 महीने की इंप्रिजनमेंट, फाइन या फिर बोथ, अगर आप मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के, चाहे आप एक्ट करो यू डोंट एक्ट, डज नॉट मैटर बीइंग मेंबर पर से विल बी लाइबल। ओके, अब समझना जरूरी है कि 149 सेक्शन क्या कहता है। वो कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि हर एक मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का एक मेंबर है, उसको हम बोलेंगे कि वो गिल्टी है, उसके ऊपर हम लाइबिलिटी लगाएंगे ऑफेंस की जो कि कमिट किया जा रहा है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब मान के चलो ए बी सी डी ई एफ जी ये एक अनलॉफुल असेंबली है, तो हर एक मेंबर एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे के सारे जब ऑफेंस हुआ तभी मेंबर थे। ऑफेंस डन बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑल लाइबल। अगर ऑफेंस डन बाय ओनली ए एंड बी, स्टिल सी डी ई एफ जी विल बी लाइबल। और क्यों लाइबल है वो क्यों लाइबल है, वो इसलिए लाइबल है क्योंकि वो इस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे जब क्या हो रहा था, कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा था जो कि इन प्रोसिक्यूशन था हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इनकी क्या होगी, इनकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होगी, और जस्ट पर से क्योंकि ये मेंबर थे उस अनलॉफुल असेंबली के, दे विल बी हेल्ड लाइबल। यही बात करता है हमारा सेक्शन 149 कि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ, तो एक बंदा भी एक्ट कर रहा है तो सारे लोग जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे उन सबकी लाइबिलिटी हम ठहराएंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसेंशियल फीचर्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स है कि सबसे पहला आप एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए जो कैसे होती है, 5 or more persons होने जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा कि जो अक्यूज्ड है वो मेंबर था ऑफ दिस अनलॉफुल असेंबली एट द टाइम जब ऑफेंस हुआ, तो एट द टाइम जब ऑफेंस कमिट हुआ
तब वो बंदा मेंबर था, सेक्शन 142 आपको याद होगा, यहाँ सेक्शन 141 आपको याद है। अब जो ऑफेंस किया गया वो ऑफेंस था इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया था उन्होंने, जो भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया था कि हम राइड्स करेंगे, हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे, कोई भी जो कॉमन ऑब्जेक्ट था जो बनाया था वो उस उसके प्रोसिक्यूशन में, उसके फर्दरेंस में जो भी ऑफेंस हो रहा है, तो बाकी सारे मेंबर्स की भी लायबिलिटी हम ठहराएंगे, चाहे एक्ट सिर्फ एक बंदे ने ही क्यों ना किया हो, मेयर मेंबरशिप अपने आप में आपको लायबल ठहराएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है कि हिडन वेपन था। अब क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी गए कहीं पे अटैक करने, ठीक है, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था, इन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली बना ली, ये अटैक करने गए। अब जो हमारे मिस्टर जी हैं, इनके पास एक हिडन वेपन था। अगर तो ए बी सी डी ई एफ को इस हिडन वेपन की नॉलेज थी तो सबको हम लायबल ठहराएंगे अगर उस हिडन वेपन से कोई हर्ट कॉज हो जाती है, बट अगर इनको नॉलेज नहीं थी कि जी के पास कोई हिडन वेपन है तो हम क्या कहेंगे, दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल कोई भी अगर ऑफेंस उस हिडन वेपन से होता है। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जब होते हैं, जिसको हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, उस टाइम पे ये आपसे जरूर पूछा जाता है। आप पेपर में भी देखोगे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हिडन वेपन वाला। तो ये क्या करते हैं, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के देते हैं कि ऐसे ये लोग अनलॉफुल असेंबली गई, एक ऑफेंस करने गई, उन्होंने एक ऑफेंस किया इन फर्दरेंस ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, बट जो एक बंदा था उसके पास एक हिडन वेपन था, तो क्या आप बोलोगे उन सबकी लायबिलिटी होगी या फिर नहीं होगी? तो आपको क्या देखना है कि नॉलेज थी या फिर नहीं थी। तो नॉलेज अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा वाइटल और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा जब हमें उनकी लायबिलिटी को इंप्यूट करना है। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक वर्ड समझने की जरूरत है, रिटायर्ड हर्ट। ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली छोड़ दी, अब वो लायबल नहीं होंगे उस अनलॉफुल असेंबली के लिए। तो अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग इस केस में, ठीक है। अभी एग्जांपल के फॉर्म से मैं आपको समझाऊंगी बेसिकली कि रिटायर्ड हर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के लिए आप ये चीज देखो कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था कि ये क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे ऑन पार्लियामेंट, ठीक है, दे विल अटैक ऑन पार्लियामेंट। इन्होंने क्या किया, ये एक अनलॉफुल असेंबली बना ली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली बना ली कि ये लोग अटैक करेंगे पार्लियामेंट पे। अब क्या हुआ उसके बाद, जब ये लोग जा रहे थे ऑन द वे इन कार, तो क्या हुआ, पुलिस स्टॉप्ड द कार। अब पुलिस ने जब इनकी कार को स्टॉप कर दिया तो क्या किया, ए ने टुक आउट अ नाइफ अननोन टू ऑल अदर मेंबर्स, स्टैब्ड पुलिस ऑफिसर। अब बताओ क्या इस चीज के लिए जो ये स्टैबिंग हुई है, क्या इसके लिए सबको हम लायबल ठहराएंगे, हम बी सी डी ई एफ जी को लायबल ठहराएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दो कि क्या हम इसको लायबल ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे। नॉट लायबल, क्यों नॉट लायबल, बिकॉज नो नॉलेज, इट वॉज अननोन टू देम, ठीक है। अब हम जब आगे जा रहे हैं, इन्होंने जब ये आगे जा रहे हैं तो आगे क्या हुआ कि नाउ मूविंग अहेड अगेन स्टॉप्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, बी स्टैब्ड हिम विद अ गन, शॉट हिम बोलेंगे यहां पे हम, स्टैब वर्ड गलत है, ऑल न्यू ही वॉज कैरिंग अ गन, सो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए सी डी ई एफ जी
ऑल लाइबल बिकॉज उनको नॉलेज थी, उनको नॉलेज थी। अब क्या हुआ, जाते जाते जब इनके बीच में आपस में स्कफल हुआ, जब ये शॉट कर रहा था, तो जो सी है उसको चोट लग गई, सी गॉट हर्ट और एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो बेहोश हो गया, तो क्या कहेंगे, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो अब वो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, ही रिटायर्ड हर्ट, वो रिटायर्ड हर्ट। और इसके बाद जो भी एक्ट ये अनलॉफुल असेंबली करेगी, जो भी एक्ट ये अनलॉफुल असेंबली करेगी, उसके लिए सी लाइबल नहीं होगा। तो आपको ये इस एग्जाम्पल से समझ के चलना है, रिटायर्ड हर्ट का मतलब है कि अगर कोई बंदा उस अनलॉफुल असेंबली को छोड़ देता है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, तो अब उस बंदे को आप नहीं ठहरा सकते हो लाइबल बाकी एक्ट्स के जो उसके छोड़ने के सब्सिक्वेंट होते हैं, जो उसके छोड़ने के बाद होते हैं, उनके लिए आप उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में डिफाइंड है, कॉमन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा 149 के अंदर, ठीक है। अब इन सब की लाइबिलिटी है, ए बी सी डी ई एफ जी की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मेंबर्स हैं ऑफ अनलॉफुल असेंबली। एक्ट किया किसी ने भी, एक्ट किया जैसे कि यहाँ पे बी शॉट हिम विद द गन, तो यहाँ पे एक्ट इसने किया, बट बाकी सबकी लाइबिलिटी है। क्यों है, मेंबरशिप के कारण इनकी लाइबिलिटी होगी। मेंबर्स की लाइबिलिटी कहाँ पे है, मेंबर्स है सेक्शन 142 में, पनिशमेंट है 143 में, ठीक है। आर्म्ड विद डेडली वेपन हम 144 में कर चुके हैं। तो ऐसे आपको इन सेक्शंस को एक कनेक्शन में, एक सीरीज में, एक कहानी के फॉर्म में समझते चलना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रिटायर्ड हर्ट का आपको मतलब समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि अगर एक वेपन यूज हो रहा है जिसकी आपको नॉलेज थी तो आपकी लाइबिलिटी होगी, अगर उसकी नॉलेज नहीं थी तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 144 में जब आप इस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो आर्म्ड विद अ डेडली वेपन, तो आपकी क्या पनिशमेंट होगी वो भी पढ़ते हैं। तो अब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो एक डेडली वेपन से। अब डेडली वेपन अगर आप देखोगे तो आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। डेडली वेपन क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा वेपन जो कि डेथ कॉज कर सकता है, हम उसको डेडली वेपन कह सकते हैं। अब मैं कह सकती हूँ कि ये पेन भी एक डेडली वेपन है, और आप बोलोगे मैम कैसे, पेन कैसे डेडली वेपन हो गया, ठीक है। तो अगर इस पेन को मैं इस तरीके से स्टैब कर दूं इस नस के अंदर और ये नस फट जाए, तो मेरी डेथ कॉज हो सकती है, और ये पेन भी बन गया अपने आप में एक डेडली वेपन। सिमिलरली नाइफ डेडली वेपन हो गया, एक गंडासा अगर वो किसी की जान ले सकता है वो डेडली वेपन हो गया। तो आपको ये देखना है कि डेडली वेपन की कहीं पे भी नॉट डेफिनेशन नहीं है, नो डेफिनेशन, बट आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि पर्सन नॉट कैरिंग वेपन बट इज अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, स्टिल उसकी लाइबिलिटी हम ठहराएंगे। और पनिशमेंट क्या दी गई है, 2 साल और फाइन और बोथ की पनिशमेंट दी गई है एज पर सेक्शन 144, ठीक है। 145 बात करता है कि आपने एक अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया या फिर आपने एक अनलॉफुल असेंबली को कंटिन्यू किया, जिसको बोला गया है कि भाई साहब डिस्पर्स कर जाओ, जिसको लॉ ने कमांड किया है कि आप डिस्पर्स कर जाओ, और वो फिर भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ पे होगी, सेक्शन 145 में। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ज्वाइन करता है या फिर कंटिन्यू करता है ऐसी अनलॉफुल असेंबली को, जिसको पता है, जिसको नॉलेज है कि उसको कमांड दी गई है कि आप डिस्पर्स कर जाओ, आप यहाँ से अलग हो जाओ, इस अनलॉफुल असेंबली को तोड़ दो, और वो फिर भी अगर कंटिन्यू करता है तो पनिशमेंट होगी 2 ईयर्स और फाइन, ओके। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो एग्जाम्पल है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, इन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली बनाई कि अटैक करना चाहते हैं, अटैक ऑन फॉर एग्जाम्पल अ कॉलेज, ठीक है, ये इनका बन गया कॉमन ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या समझना है कि ए बी सी डी ई पर से लाइबल है फॉर एक्ट ऑफ एनी पर्सन, पर्सन लाइबल, पर से अपने आप में लाइबल हो जाते हैं अगर एक बंदा भी एक्ट करता है। अब क्या हुआ, आपने समझा कि ए बी सी डी ई जब जा रहे थे अटैक करने, तो क्या हुआ, रास्ते में बी ने किसी को अटैक करा, अटैक अ पुलिस कॉन्स्टेबल विद नाइफ, नो नॉलेज कि नाइफ कॉज था इसके पास, किसी के पास नॉलेज नहीं थी, नो नॉलेज दैट ही वॉज कैरिंग नाइफ। तो हम बोलेंगे ये हिडन वेपन हो गया, और हम ये बोलेंगे कि ए सी डी ई नॉट लाइबल, ओके। बट अब रास्ते में जाते जाते क्या हुआ,
रास्ते में जाते जाते ए हिट अ मैन, जो रोक रहा था इसका रास्ता, ऑब्स्ट्रक्टिंग देम विद हॉकी, तो हम क्या कहेंगे? ऑल लाइबल अंडर सेक्शन 149, इनकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये जा रहे थे तो जी और एच ने इनको ज्वाइन कर लिया, इनको ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। तो अब कोई भी एक्ट होगा तो जी और एच भी लाइबल होंगे। जी और एच ने ज्वाइन कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, ए ने हिट करा गार्ड को, और इस स्कफल में क्या हुआ, इस स्कफल में ई को चोट लग गई, ई गॉट हर्ट, वेंट टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जी एच ने ज्वाइन कर लिया अनलॉफुल असेंबली और ए ने हिट किया गार्ड को, इसके बाद हुआ कि ई गॉट हर्ट। तो ए ने जब हिट किया गार्ड को तो बी सी डी ई जी एच ऑल लाइबल। अब इन्होंने ज्वाइन कर ली है अनलॉफुल असेंबली तो इनकी भी लाइबिलिटी होगी। अब इसके बाद जब ई को चोट लग गई और वो हॉस्पिटल चला गया तो क्या हो गया, रिटायर्ड हर्ट हो गया। अब इसके बाद कोई भी एक्ट होगा तो हम ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राइटिंग क्या होता है। सेक्शन 146 ये बोलता है कि जब पांच या पांच से ज्यादा लोग फोर्स या फिर वायलेंस को कमिट करते हैं तो हम बोलते हैं कि अनलॉफुल असेंबली ने क्या करा है, फोर्स को यूज करा है। क्रिमिनल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 349 ऑफ आईपीसी में, क्रिमिनल फोर्स को हम सेक्शन 349 ऑफ आईपीसी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम डिटेल में इस चीज को करेंगे, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि फोर्स है 349 में और क्रिमिनल फोर्स है हमारा सेक्शन 350 में। ठीक है, अब जब इस फोर्स से और क्रिमिनल फोर्स से आप क्या कर रहे हो, वायलेंस कैसे हो रहा है, अब आपको समझना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप ये देखोगे कि जब हम फोर्स यूज करते हैं, हम किसी को मूव करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं या फिर डराते हैं, धमकाते हैं, और उससे हम पब्लिक सेफ्टी को, पब्लिक पीस को हम हिला रहे हैं, तो हम वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम जब पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो हम वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब फोर्स को यूज करके वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, और वो सिविल अनरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोएक्टिव प्रोवोकेटिव बिहेवियर को बना रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो एक हर्ड लाइक मेंटालिटी है, मतलब भेड़ों के पीछे चली जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल के वो क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्ट को कर रहे हैं जो कि हमारे पब्लिक ऑफेंसेस हैं, हमारे पब्लिक स्टेट को, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक मोरालिटी को, पब्लिक स्टेबिलिटी को, पब्लिक पीस को शेक कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि राइट हो गया। तो क्या समझने की जरूरत है कि अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स अगर हो गया, या फिर मैं बोल दूं कि ये फोर्स से थ्रू वायलेंस हो रहा है, तो आपका रायट बन जाता है। यही मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाली हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कि जो अक्यूज पर्सन थे वो फाइव थे या फिर फाइव से ज्यादा थे और उन्होंने अनलॉफुल असेंबली बनाई सेक्शन 141 के अंदर। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था जो कि हमने पढ़ा सेक्शन 149 में, और उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने फोर्स को यूज किया जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 349 बात करता है फोर्स की, सेक्शन 350 बात करता है क्रिमिनल फोर्स की, और उस फोर्स से पब्लिक पीस को, पब्लिक स्टेबिलिटी को, पब्लिक मोरालिटी को शेक कर दिया, वायलेंस कॉज करा इस अनलॉफुल असेंबली ने या फिर इसके किसी भी मेंबर ने इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि इन्होंने राइट्स कर दिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जब एक मेंबर है एक अनलॉफुल असेंबली का और वो एक ब्लो देता है एक पर्सन को, या फिर वो किसी काउ के ऊपर स्टोन फेंकता है, किसी एनिमल के ऊपर स्टोन फेंकता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने फोर्स यूज करा है, चाहे हार्म छोटा ही क्यों ना हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल प्रेशर से आप दूसरे को अगर कुछ भी इंजरी या फिर हार्म कॉज कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि फोर्स होगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि इस फोर्स के कारण कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ मूवमेंट हुई है अगर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स हो रहा है। जब हम 349 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो हम डिटेल में फोर्स को बात करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के थ्रू आप मूव करा रहे हो किसी चीज को, या फिर आप किसी चीज को डिस्पोजेस कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि वो हिले। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपने किसी के सामने कुत्ता छोड़ दिया
तो आप तो बैठे हुए हो और आपने अपने कुत्ते को छोड़ दिया, अपने डॉग को आपने अनचेन कर दिया, और वो डॉग जो है वो उसके पीछे भागने लग जाता है और वो बंदा भी अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स है। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये फोर्स है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप चेंज इन मोशन कर रहे हो, चेंज इन मोशन कर रहे हो किसी का, या तो अपने हाथ से, अपनी बॉडीली पावर से, या फिर उसको खींच के, या फिर आप उसके मोशन को रोक रहे हो, बढ़ा रहे हो, किसी और डायरेक्शन में चलवा रहे हो, किसी एनिमल के थ्रू करा रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि फोर्स यूज हो रहा है। अब आपको क्या समझना है कि अगर कोई भी पर्सन किसी एनिमल को भी किसी के पीछे छोड़ देता है, या फिर वो क्या करता है कि अगर वो कोई व्हीकल को एकदम से छोड़ देता है या कुछ भी करता है बेसिकली जिससे कि चेंज इन मोशन कॉज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आप फोर्स यूज कर रहे हो, जो हम लोग अच्छे से डिटेल में सेक्शन 349 में आईपीसी में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि राइटिंग में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अगर किसी को रिजिस्ट कर रहे हो कि वो एग्जीक्यूट ना कर पाए कोई इलीगल वारंट विद इन द रीजनेबल बाउंड्स, दैट विल नॉट अमाउंट टू राइटिंग। जैसे कि अगर आप मानो कि अगर एक म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो एक इलीगल वारंट के थ्रू, मतलब उसके पास वारंट नहीं था बट फिर भी वो एक बिल्डिंग को तोड़ने आ रहा है, उसको डिमोलिश करने आ रहा है, और अगर आप रिजिस्ट करते हो, उसको रोकते हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपने राइटिंग करी है, आपने राइटिंग नहीं करी है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि अगर फ्री फाइट हो रही है और वहां पे फॉर्मेशन है, वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो सकता अनलॉफुल असेंबली का या फिर कॉमन इंटेंशन का, तो क्या होगा, सारे इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने अपने ओन एक्ट के लिए, क्योंकि फ्री फाइट में क्या होता है, कोई भी प्री मेडिएशन नहीं होता है, बेसिकली प्री जो मेडिएटेड फैक्ट्स है या फिर प्री मेडिएटेड अग्रीमेंट है वो फॉर्म नहीं हो सकता जब हम फ्री फाइट की बात करते हैं। ठीक है, अब पनिशमेंट क्या है राइटिंग की, पनिशमेंट है 2 साल और फाइन और बोथ, तो क्या समझने की जरूरत है, अगर ये अनलॉफुल असेंबली है जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फोर्स यूज करते हैं और पब्लिक पीस को शेक करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये राइट कॉज कर रहे हैं, और उसकी पनिशमेंट कहाँ दी है, सेक्शन 147 में दी है, जो कि है 2 इयर्स और फाइन और बोथ। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलो, नायक मूवी में जब वो बच्चे जब वो लोग जो होते हैं वो कॉलेज के बच्चों के वहां पे बस को आग लगा देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसको तहस नहस कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 5 या 5 से ज्यादा लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, किसके थ्रू, फोर्स के माध्यम से वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक का जो पीस है, पब्लिक की जो स्टेबिलिटी है उसको तहस नहस कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑफेंस कर रहे हैं ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस, और वायलेंस कैसे हो रहा है, फोर्स के माध्यम से हो रहा है, तो हम कहेंगे ये राइट हो गया। ओके, अब समझिए कि अगर आप राइटिंग करते हो और आप आर्म्ड विद डेडली वेपन हो, आपके पास कोई ऐसा डेडली वेपन है या फिर कोई ऐसी चीज है जो अपने आप में डेथ कॉज कर सकती है किसी की, तो आपकी लाइबिलिटी होगी सेक्शन 148 के अंदर। ये एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर आप आर्म्ड वेपन के साथ जा रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कि सेक्शन 148 एप्लीकेबल होगा। इसमें पनिशमेंट जो दी गई है स्टूडेंट्स, पनिशमेंट दी गई है अप टू 3 इयर्स, विच शैल डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग और फाइन और बोथ, उस राइटिंग का क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको समझने की जरूरत है कि जब हम राइटिंग और अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं तो राइट क्या है, राइट है अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस। तो आपका अनलॉफुल असेंबली पहले बनेगी, मतलब 5 or more persons एक्ट टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर उसके साथ वो वायलेंस भी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि राइटिंग हो रही है। ठीक है, अब समझने की जरूरत है, जब हम बात कर रहे हैं कि राइटिंग में आर्म्ड विद डेडली वेपन है, तो ये थोड़ा सा हम बोलते हैं कि राइट से भी एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, और इसकी पनिशमेंट हम 3 साल की बोलते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो वेपन यूज है उसकी ऐसी केपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो किसी की डेथ कॉज कर सके। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस के बेसिस पे आप इसको डिसाइड करोगे।
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस पे डिसाइड करोगे, ये आप कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दिया गया है इस चीज के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एफरे क्या होता है। स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखना कि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। इसको बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि एफरे क्या होता है। तो एफरे को जो डिराइव किया गया है उसको एक फ्रेंच वर्ड एफरीज से डिराइव किया गया है, जो उसका मतलब है टू टेरिफाई, या फिर लीगल सेंस में आप बोल सकते हो ये एक ऐसा पब्लिक ऑफेंस है जिसमें आप लोगों के मन में, लोगों के अंदर एक टेरर क्रिएट करते हो। तो बेसिकली इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस के अंदर फाइट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस की जो पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे ए बी और सी, अगर ये एक सिनेमा हॉल में फाइट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एफरे करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है दो या दो से ज्यादा, तो ये तीन लोग हैं, सिनेमा हॉल एक पब्लिक प्लेस है, ये यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये एफरे कर रहे हैं, ठीक है। एफरे में क्या जरूरी है कि पब्लिक प्लेस होना जरूरी है जहां पे लोग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर एक ओमनी बस मान लो, रेलवे स्टेशन मान लो, रेलवे प्लेटफॉर्म मान लो, पब्लिक यूरिनल मान लो, या फिर कोई गुड्स का यार्ड है रेलवे स्टेशन पे, ये सारी की सारी पब्लिक प्लेसेस है। बट अगर एक प्राइवेट चबूतरा मानो जो कि एक पब्लिक थ्रूफेयर के थ्रू है, रेलवे स्टेशन के वहां है, जहां पे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है एक्सेप्ट गुड्स ट्रेन, वहां पे लोग नहीं है, तो हम उसको पब्लिक प्लेस नहीं मानेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि जब हम एफरे हो रहा है, एफरे का ऑफेंस हो रहा है, तो पब्लिक प्लेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या आपको एविडेंस शो करना है कि एफरे हुआ है, कि ये एक पब्लिक प्लेस थी और यहाँ पे फाइट हो रही थी, जिसके कारण जो पब्लिक है उसके अंदर टेरर आ गया, वो डर गई, वो सहम गई, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी जरूरी है। ऑल्सो क्वारल नहीं होना चाहिए, बहसबाजी नहीं होनी चाहिए, क्वारल नॉट एफरे, इसमें प्रॉपर फाइट होना जरूरी है अगर आपको किसी को एफरे के अंदर लाइबिलिटी ठहरानी है। इंडिया में एफरे में ये जरूरी है कि दोनों पार्टीज फाइट करें, जहां पे इंग्लैंड में अगर एक बंदा भी लड़ रहा है तो लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब इवन अ सिंगल पर्सन इन अ पब्लिक प्लेस कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक, When two persons were fighting in a public place और third person अपने आप को defend करने जा रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि एफरे हो गया, ठीक है। अब आपको समझने की जरूरत है कि एफरे और राइट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले अगर आप सोचो बिना इन पॉइंट्स को पढ़े, आप एक चीज सोचो कि राइट हमने पढ़ा था कि अनलॉफुल असेंबली है और वायलेंस हो रहा है, ठीक है। राइट में हमने कहीं पे भी बोला नहीं था कि पब्लिक प्लेस होनी चाहिए या फिर प्राइवेट प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए कि एफरे में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, राइट में पांच या पांच से ज्यादा लोग होने चाहिए, एफरे में पब्लिक प्लेस का होना जरूरी है, राइट में ऐसा कोई भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अब एक बार पढ़ भी लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। तो एफरे आप प्राइवेट प्लेस में नहीं कर सकते बट राइट कर सकते हो, वही सेम पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया। एफरे में दो या दो से ज्यादा लोग हो जाए वही बहुत है, बट राइट की बात करें तो पांच या पांच से ज्यादा लोग होने जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको एप्लीकेबिलिटी यूज करनी है। तो बेसिकली जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप सुन रहे हो, आपको उसको यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप एक लॉ के स्टूडेंट हो तो कान और आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब समझते हैं कि एफरे और असॉल्ट में क्या फर्क है। तो असॉल्ट मैंने आपको बताया, मैं आपको एक डिटेल में लेक्चर लूंगी उसके ऊपर, बट असॉल्ट अभी होता कहाँ है, सेक्शन 351 में असॉल्ट दिया गया है कि जब मैं फोर्स दिखा के आपके मन में एक अप्रिहेंशन कॉज कर रही हूँ कि मैं मारने वाली हूँ, तो उसको हम असॉल्ट कहते हैं। अब एफरे जो है, एफरे किसी पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, असॉल्ट कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं आपको वीडियो कॉल पे भी थप्पड़ मार के दिखा के आपको बोल रही हूँ मैं तेरे घर आके तुझे मारूंगी, ठीक है, तो मैं आपके मन में अगर वो डर पैदा कर रही हूँ तो मैं असॉल्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो असॉल्ट प्राइवेट हो या पब्लिक प्लेस कहीं पे भी हो सकता है, बट एफरे जो है वो पब्लिक प्लेस में ही होता है। एफरे में क्या होता है कि आप पब्लिक पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पब्लिक पीस को हार्म कर रहे हो, बट असॉल्ट में ऐसा कुछ नहीं है, असॉल्ट एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एफरे की पनिशमेंट क्या है। तो सेक्शन 160 बताता है कि उसकी पनिशमेंट क्या है, जो है 1 month ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ₹100 फाइन, या फिर बोथ, ठीक है। अब बात करते हैं एक
अलग सेक्टर ऑफ ऑफेंसेस की जो बात कर रहा है कि अगर आप दो लोग, दो कम्युनिटीज के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में अगर आप एनिमिटी को अरोज करते हो, आप प्रमोट करते हो, इंस्टिगेट करते हो, प्रोवोक करते हो दो क्लासेस ऑफ पीपल के बीच में एनिमिटी, तो ये भी अपने आप में एक पब्लिक ऑफेंस माना जाता है। जैसे कि आप किसके बेसिस पे कर रहे हो, उनके रेजिडेंस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एक्सेट्रा, किसी के ऊपर भी बोल रहे हो। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने लाइफ केस के में से, जो मैं डील कर रही हूँ लिटिगेशन में। जब मैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर कोर्ट्स जाती हूँ, तो वहां पे एक ऐसा केस आया जहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने सिडिशियस लेटर्स इज अ रॉन्ग वर्ड, उन्होंने लेटर्स लिखे जहां पे वो दूसरे रिलीजन के ऊपर कमेंट कर रहे थे, प्रोवोकेटिव चीजें लिख रहे थे, और उनके एक्शंस के ऊपर उन्होंने कमेंट करके वो लेटर्स को लिखा और सर्कुलेट किया। इसमें क्या हुआ कि जो दूसरी कम्युनिटी थी उनको बहुत ही हर्ट हुआ, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, और उन्होंने भी वापस उनके अगेंस्ट कुछ पहली वाली कम्युनिटी के अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ए एक कम्युनिटी है, इसने बी कम्युनिटी के अगेंस्ट लेटर्स लिखे प्रोवोकेटिव और पब्लिश कराए, इन रिटर्न इन्होंने भी लेटर्स लिखे और पब्लिश कराए। तो ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ एनिमिटी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड फीलिंग हो रही है। अगर ये हो रही है किसके बेसिस पे, अगर रेजिडेंस के बेसिस पे हो रही है, रिलीजन के माध्यम से हो रही है, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे अगर आप दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी करा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 153A और 153B ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल होंगे। तो बेसिकली पनिशमेंट क्या दी गई है इसमें, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी गई है 3 साल की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। बट आपको क्या देखना है कि अगर ये ऑफेंस जो कि कमिट किया जा रहा है इनसाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जैसे कि चर्च हो गया, या फिर कोई टेंपल हो गया, मॉस्क हो गई, कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट के यहाँ पे हो रहा है, उसके अंदर हो रहा है, तो पनिशमेंट आपकी 5 साल तक भी जा सकती है और आप लायबल हो गए फाइन के लिए भी। ठीक है, तो क्या समझना जरूरी है जब हम 153A की बात कर रहे हैं, 153A में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपके, कि पहली बात तो आप क्या कर रहे हो, आप एनिमिटी करा रहे हो, आप एक दूसरे के बीच में हेट्रेड फीलिंग करा रहे हो, दुश्मनी करा रहे हो, किसके बेसिस पे करा रहे हो, आप उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, वो किस कम्युनिटी पे बिलोंग करते हैं, उनकी क्या रेस है, क्या कास्ट है, उनका रेजिडेंस कहाँ है, लैंग्वेज क्या है, उसके बेसिस पे आप उन दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फीलिंग करा रहे हो, दुश्मनी करा रहे हो। और इससे क्या हो रहा है, सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो पढ़ना है, इससे क्या हो रहा है, इससे आपका पब्लिक पीस जो है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है, वो डिस्टर्ब हो रही है, वो शेक हो रही है। तो सोसाइटी का जो पीस है, जो ऑर्डर है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। और आप क्या इनकरेज कर रहे हो, आप चाहते हो कि इनके बीच में लड़ाइयां हो, इनके बीच में दंगे हो, आपस में एक दूसरे को मारे काटें और ये खुशी से ना रहे। और जब दो ग्रुप ऑफ लोग लड़ेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, सोसाइटी में सुख शांति नहीं होगी। तो आपका सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, पब्लिक पीस को आप शेक करना चाह रहे हो। ठीक है, अब थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि आप कोई भी एक्ट करते हो या फिर इस ऑब्जेक्ट से करते हो कि आप दुनिया में, आप सोसाइटी में क्या कर पाओ, फियर, अलार्म, थ्रेट, इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर कॉज कर पाओ फॉर एनी रिलीजियस ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी बाय द वे ऑफ वायलेंस या फिर क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट देम। तो बेसिकली जब कुछ भी दो ग्रुप्स अगर एक दूसरे के अगेंस्ट एनिमिटी कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हेट्रेड फीलिंग कर रहे हैं, दुश्मनी पाल रहे हैं, तो होगा क्या, उससे थ्रेट कॉज होगा, अलार्म होगा लोगों के अंदर मन में, फियर कॉज होगा, इनसिक्योरिटी कॉज होगी। और आप ये किसके बीच में कर रहे हो, रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, और कैसे कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स को यूज कर रहे हो जो कि 350 में डिफाइंड है, वायलेंस कॉज कर रहे हो अगेंस्ट देम, तो आप क्या कर रहे हो, 153A के अंदर ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, अब एक केस करते हैं, बिलाल अहमद कालो वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। इसमें क्या बोला गया कि मेंजरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप किसी को 153A के अंदर पनिशमेंट देना चाहते हो। तो बेसिकली आपको देखना है कि उसका गिल्टी माइंड क्या था। ऑल्सो क्या जरूरी है कि दो कम्युनिटीज होनी चाहिए, तो दो एक कम्युनिटीज होना एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और क्या होना चाहिए कि कुछ डेरोगेटरी हो गया, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे, बोली जा रही है विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिटी, तो हम बोलेंगे कि इस सेक्शन के अंदर आप लायबल होंगे। ठीक है,
अब 153 बी सेक्शन स्टूडेंट्स जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या समझते हैं कि इस सेक्शन को ऐड किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा हमने देखा कि एक दूसरे के अगेंस्ट डिसहार्मनी हो रही थी, एक दूसरे के अगेंस्ट डिसहार्मनी हो रही थी बहुत सारी कम्युनिटीज में। तो इस सेक्शन को ऐड किया गया 1972 में जब हाई लेवल ऑफ टेंशन थी बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के बीच में, और ये क्या इफेक्ट कर रही थी, सोशल हार्मनी को इफेक्ट कर रही थी और ये नेशनल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री को भी इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसको तब ऐड किया गया। अब 153 बोलता क्या है, जब आप पब्लिश करते हो कोई भी इम्प्यूटेशन कि सर्टन पर्सन जो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर क्लास को, रिलीजन को या फिर कास्ट को, वो कोई भी एलिजेंस को बिलोंग नहीं करता टू द नेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिश कर रहे हो। तो क्या समझने की जरूरत है, सबसे पहले इम्प्यूटेशन का क्या मतलब है, इम्प्यूटेशन का स्टूडेंट्स मतलब क्या है, आप ये समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर क्या रहे हैं इसमें। तो आपको क्या समझना है, इम्प्यूटेशन का मतलब है कोई चार्ज लगा रहे हो, आप किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा रहे हो कि वो एक जो पर्सन है वो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को और क्या कर रहा है, या फिर वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, कास्ट को बिलोंग करता है और उसकी लॉयल्टी नहीं है अपनी नेशनल इंटेग्रिटी की तरफ। अगर आप ऐसा कुछ भी पब्लिश करते हो तो आप क्या कर रहे हो, सेक्शन 153 बी के अंडर आप लायबल ठहराओगे। तो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बिलोंग करते हैं किसी भी कास्ट को, किसी भी कम्युनिटी को, उनको अगर आप हर्ट कर रहे हो, अगर उनके अगेंस्ट आप कुछ डेरोगेटरी बोल रहे हो, कुछ पब्लिश कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि सेक्शन 153 लायबल होगा। एनी ऑफ द अफोरमेंशन एक्ट मस्ट परपेचुएट डिस्कॉर्ड एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो आपका ये एक्ट है इससे हो क्या रहा है, इससे ये जो दो ग्रुप ऑफ लोग हैं, दो क्लासेस ऑफ लोग हैं, इनके बीच में डिस्कॉर्ड हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आपस में अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 153 बी का ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका एड किया गया था कि 1972 में आपका ये ऐड किया गया था जब इन्होंने देखा था कि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करी जा रही है। और ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे हो सकते हैं, स्पोकन हो सकते हैं, रिटन में हो सकते हैं, या फिर ये साइन में हो सकते हैं, या फिर ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। और ये आप क्या करोगे, ये आप पब्लिश कर सकते हो या फिर आप असर्ट कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, या फिर आप इनमें से किसी चीज को भी कहीं पे लिख सकते हो, कहीं पे बोल सकते हो, जो कि दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या कर रही है, डिस्कॉर्ड कर रही है और उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डील करा, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने काफी सारे सेक्शंस करे हैं आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में। तो हम लोगों ने जब ये ओवरव्यू देखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 141 जहाँ पे हम बात करते हैं कि आप अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करते हो जिसके लिए 5 or more persons होना जरूरी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं। उन कॉमन ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि वो कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिजिस्ट कर रहे हैं किसी भी ऐसे पर्सन को जो एग्जीक्यूट कर रहा है लॉ को, या फिर वो कोई भी मिसचीफ कॉज कर रहे हैं, वो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास कॉज कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स को यूज करके। तो इन सब को हम लोगों ने सेक्शन 141 में पढ़ा। सेक्शन 142 में हमने बात करी कि अगर आप मेंबर हो एक अनलॉफुल असेंबली के तो क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी। सेक्शन 143 में हमने पढ़ा कि अगर आपकी पनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 144 में हमने पढ़ा कि अगर आपको इसको अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो विद डेडली वेपन, ओके। 145 में हमने पढ़ा कि जब आप ज्वाइन करते हो या कंटिन्यू करते हो ऐसी असेंबली को जिसको बोला गया है कि डिस्पर्स हो जा, ओके। फिर हमने 146 में राइटिंग पढ़ी, इसकी पनिशमेंट पढ़ी। 147 में इसकी पनिशमेंट पढ़ी। 148 में हमने पढ़ा अगर आप राइट कर रहे हो विद डेडली वेपन, हमने ये पढ़ा कि राइट क्या होता है, राइट इज इक्वल टू अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस, ये पढ़ा। 149 में हमने पढ़ा कॉमन ऑब्जेक्ट,
ओके, देन हमने क्या पढ़ा, हमने एफरे पढ़ा 159 में, और उसकी पनिशमेंट पढ़ी कि जब दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी पब्लिक पीस को पब्लिक प्लेस पे आपस में फ्री फाइट करते हैं तो हम बोलते हैं एफरे होता है। फिर हमने 153A पढ़ा और 153B पढ़ा, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप एनिमिटी कॉज कर रहे हो किसी भी ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्लास, कास्ट, या फिर उनके रिलीजन, या फिर उनकी कम्युनिटी, या फिर उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो स्टूडेंट ये था ये चैप्टर जहाँ पे हमने ये सब कुछ पढ़ा, ये थे पब्लिक ऑफेंसेस जो कि पब्लिक के अगेंस्ट होते हैं, और इनकी इंटेंशन क्या होती है कि ये पब्लिक की जो पीस है, उनकी जो मोरालिटी है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, उसको शेक करे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा और आप लोगों को मजा आया हो इस सेशन में मेरे एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपको रिटायर्ड हर्ट का मतलब समझाया, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज ऑफ हिडन वेपन होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। तो आप लोग पीडब्ल्यू के ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे लॉ सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहां पे जाके आप आईपीसी सिलेक्ट करें, वहां पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे और आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स क्विज के फॉर्म में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे आपको दिखेगा कि क्या क्या क्लासेस आ रही हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो आई होप एवरीथिंग इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। थैंक यू स्टूडेंट्स।